मेरा चैनल दौड़गरों की तरफ से आप सबको स्वागत है। मेरा आज का होली स्पेशल रेसिपी है लवंग लतिका। ये एक बंगाली रेसिपी है। लवंग लतिका बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दूध, मावा, चीनी, मैदा, लौंग, छोटी इलायची, काजू, पिस्ता, नींबू, पाउडर मिल्क, केसर, घी और रिफाइंड ऑयल। पहले हमें स्टफिंग बनाना है। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा पानी डाल दिया। अभी इसमें एक कप दूध डालना है। दूध डालने का पहले थोड़ा पानी डाला, क्योंकि दूध डालने का पहले पानी डालने से दूध नीचे चिपकता नहीं। अभी दूध को अच्छे से बॉईल करना है। फिर इसमें हाफ टी स्पून घी, एक कप मावा डालना है। मावा भी मैंने घर पे ही बनाया। मावा का रेसिपी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसको और गाढ़ा करना है, मतलब सुखाना है। आप अगर मावा बनाने का टाइम कॉन्डेंस मिल्क या चीनी डाल दिया तो अभी इसमें कॉन्डेंस मिल्क या चीनी डालने का जरूरत नहीं। लेकिन मैंने चीनी या कॉन्डेंस मिल्क नहीं डाला, इसलिए अभी इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालना है। फिर इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, 2 कुटी हुई इलायची डालना है। फिर इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क डाल दिया। बस रेडी हो गया है स्टफिंग। अभी इसको ठंडा करना है। अभी एक डो बनाना है। पहले इसमें 1 कप मैदा लेना है, फिर 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून घी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे घिस घिस के मिक्स करना है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट डो बनाना है। फिर हाथों में थोड़ा घी लगा के मसलना है। अभी इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही रखना है। मैंने कढ़ाई ले लिया। अभी इसमें चाशनी बनाना है। चाशनी के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी और 1 कप पानी। फिर 1 पीस इलायची डालना है। अभी इसको अच्छे से बॉईल करना है। इसका हमें कोई एक तर या दो तर का चाशनी नहीं चाहिए, हमें एक चिपचिपा चाशनी चाहिए। अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा केसर का धागा डालना है। चाशनी चिपचिपा हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा नींबू डालना है। नींबू डालने से चाशनी जमेगा नहीं। बस चाशनी रेडी हो गया है। 15 मिनट हो गया है। अभी इसको और थोड़ा मसलना है। फिर इससे एकदम छोटा छोटा गोला बनाना है। अभी इसको बेलना है। फिर स्टफिंग डाल के फोल्ड करना है। थोड़ा पानी लगा के इसका सील करना है। फिर ऊपर से एक लौंग लगा के सील करना है। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अभी इसमें 1 टेबलस्पून घी डालना है। तेल मीडियम गरम हो गया है। अभी इसको डालना है और लो से मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन करके इसको फ्राई करना है। फ्राई हो गया है।
अभी इसको हल्का गर्म चाशनी में डिप करना है। इसको ज्यादा टाइम डुबो के रखने का जरूरत नहीं है। इसको निकालने का बाद दूसरा बेस्ट लवंग लौकी का चाशनी में डिप करना है। बस रेडी हो गया है बंगाली मिठाई लवंग लौकी का। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।